दोस्तों दोस्तों आज मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास फोन आया। उसने बोला मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है लोन लेकर। तो मैंने उसको बोला आप लोन मत लो, आपके पास जितना आपका पैसा है उसी को इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कब स्टॉक मार्केट में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रखता। स्टॉक मार्केट में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। स्टॉक मार्केट है कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा, इसलिए आप लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत करिए स्टॉक मार्केट में। आपके पास 10,000 5,000 चाहे 1,00,000 रुपए हो, पर आपका अपना पैसा होना चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बोला नहीं मैंने लोन लेके जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है स्टॉक मार्केट से। तो मैं हंसने लग गया, ये कैसी बातें कर रहा है, क्यों ऐसे जल्दबाजी कर रहा है। मैंने उसको फिर समझाया, देखो जल्दबाजी में स्टॉक मार्केट में कोई करोड़पति नहीं बनता है, उसमें टाइम लगता है, समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये नहीं है आप किसी स्टॉक में आज आपने पैसा लगा दिया अगले दिन वो आपको अमीर बना देगा, अगले दिन करोड़पति बना देगा, ऐसा नहीं है। आपको इंतजार करना पड़ेगा, लंबे टाइम 10-12 साल आपने स्टॉक मार्केट में लगाने पड़ेंगे, तभी आप उससे अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये नहीं आए पैसा लगा दिया तुरंत आप करोड़पति बन गए, ऐसा कोई स्टॉक मार्केट में कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्तों मैंने उसको बहुत समझाया पर वो थोड़ा समझ भी गया, वो बोला चलो मैं सोच के देखूंगा। तो उसने टाइम तो रुक गया, वो निका अभी मैं लोन नहीं लूंगा, अगर आप जितना पैसा मैं अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, पर निका फिर भी मैं सोचूंगा। आने वाला टाइम उसका पता नहीं कैसा, क्या तो लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दे। तो दोस्तों इससे एक सीख मिलती है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। दोस्तों वो मेरा दोस्त, उसको तो मैंने जैसे मर्जी करके समझा दिया, पर आप एक ये गलती मत करना, उधार लेके या लोन लेके या किसी भाई से या किसी से कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करते रहना कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। ऐसा कोई स्टॉक मार्केट में जादू नहीं है कि वो आपको जल्दी अमीर बना देगी, उसमें दोस्तों उसमें टाइम लगता है अमीर बनने में। दोस्तों ये गलती आप मत करना। उसके दोस्तों जिस कंपनी का आज हम एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसमें पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट दे। दोस्तों ये जो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1989 से कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो कंपनी का इसका बिजनेस है रेडीमेड कपड़ा ये कंपनी बनाती है, जैसे कैजुअल कपड़ा हो गया या फिर कुर्ता हो गया या फिर बेल्ट हो गया या सॉक्स हो गया या टाई, ये कंपनी का बिजनेस है। जो कंपनी को देखो, जो कंपनी को ऑनलाइन से कंपनी को 1% की इनकम जनरेट होती है, जो आने वाले टाइम में ये कंपनी 3 से 4 वर्षों में 5% इसको अपना ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाएगी कंपनी। जो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें हम, हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पर कंपनी 10 लाख फीस कंपनी बनाती है। और जो हम विस्तार देखें 2022 में कंपनी ने 58 नए स्टोर खोले थे। देखो विस्तार कंपनी बार बार हर साल कर रही है। और जो कंपनी का नेटवर्क है 18 राज्यों में प्लस 378 स्टोर है कंपनी के और 414 आउटलेट है कंपनी के पास। दोस्तों ये तो बिजनेस मॉडल हो गया। जो हम कंपनी का मार्केट कैप्चर देखें, 17-26 मार्केट कैप्चर है, जो स्टॉक पे 25.7। देखो एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो बुक वैल्यू 136, जो आरओसी है 25.3, जो आरओई है 35.3% की, जो ये डिविडेंड दे रही है 0.24 का डिविडेंड दे रही है, जो फेस वैल्यू है 10 कंपनी की। दोस्तों देखो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद भी देखो आरओसी आरओई बहुत अच्छी बढ़ रही है कंपनी की। जो हम सेल एंड ग्रो दे कंपनी की 10 साल में 18%, 5 साल में 28%, 3 साल में 18% कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें 10 साल में 15%, 5 साल में 29% और 3 साल में 60% कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। और जो हम कंपनी का सीजीआर देखें 10 साल में 52%, 5 साल में 55% और 3 साल में 67% से कंपनी का सीजीआर बढ़ रहा है। दोस्तों सीजीआर बहुत अच्छा बढ़ रहा है। और जो कंपनी के पास सीजीआर है 205 करोड़ का कंपनी के पास सीजीआर है, 286 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है, बोरिंग है। देखो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के पास बोरिंग ज्यादा हो गया है और रिजर्व कम है। और जो प्रमोटर की होल्डिंग हम देखिए 74% प्रमोटर की होल्डिंग है, जो एफएलए और डीएलएस में कोई होल्डिंग नहीं कर रखी है,
जो पब्लिक होल्डिंग है 25.03 की पब्लिक की होल्डिंग है। जो हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखे कंपनी का दिसंबर का और मार्च का, दिसंबर में 162 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही मार्च में 2023 में 173 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखे हम 27 करोड़ था दिसंबर का, वही मार्च का 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है कंपनी का। जो दोस्तों यहां पर नेट प्रॉफिट थोड़ा कम रहा है कंपनी का, जो हम साल के देखें 2022 और 2023 का देखें, 2022 में 383 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2023 में 552 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट हुआ है 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था 2022 में, वही 2023 में 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। देखो यहां पर नेट प्रॉफिट दोस्तों अच्छा बढ़ा है एकदम। जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है अभी 1060 का शेयर प्राइस चला है, जिसने 5 साल का रिटर्न दिया 776, जिसने हाई किया 1526 हाई किया दोस्तों इस स्टॉक ने। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, फिर भी एक स्मॉल कैप स्टॉक होने के बाद दोस्तों 1500 के ऊपर चला गया ये स्टॉक। जो अभी ये बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, 1060 में मिल रहा है दोस्तों। अगर आप इस कंपनी का नाम है केटीवेल रिटेलर इंडिया लिमिटेड, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना, स्मॉल कैप कंपनी है, पहले अपना रिसर्च कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना, और 1-2% की इन्वेस्टमेंट लेके चलना इस स्टॉक में लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है, इंडिया इतना बड़ा देश है दोस्तों, कपड़े का बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है इस कंपनी का। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी आपके पैसे को 4 गुना ये 5 गुना भी बना सकती है, अगर आप पेशेंस रख के इस स्टॉक में चलेंगे, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट पर ये स्टॉक मिल रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें व्यू बनाने में बहुत अच्छा लगता है।